नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जो ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उसका एज क्या रखा गया, फीस कितनी है, वैकेंसी कितनी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा है, किस बिहा पे सिलेक्शन होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यह नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवा, ठीक है, जीडीएस के लिए आया है, ग्रामीण डाक सेवा साइकिल 2019 उत्तर प्रदेश सर्किल के लिए आया है ये, ठीक है। इसका जो डेट है 23/3 यानी आज अपडेट किया गया है यहाँ पे। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड बाय द रिस्पेक्टिव रिक्रूटिंग अथॉरिटी एज शोन इन द एनेक्सर आई अगेंस्ट ईच पोस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन एंड एंगेजमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवा, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवा के लिए जॉब प्रोफाइल है, इसमें आप ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, तीसरा है डाक सेवक, ठीक है। यहाँ पे सबका जॉब प्रोफाइल क्या है ये है। पहले इससे पहले हम लोग बेसिक डिटेल देख लेते हैं कि इसमें फ़ीस क्या है, सब कुछ क्या है। इसमें देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से वाला जो साइकिल टू है, उत्तर प्रदेश वाला जो 23/3 से शुरू हो रहा है और 24 अप्रैल तक इसका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 24 अप्रैल है, 23 यानी आज से शुरू हो गया है और 24 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले सर्किल में। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें, एज की बात करें, तो एज इसमें 18 से 40 साल रखा गया है, ठीक है। पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक, और इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है, हाई स्कूल के हिसाब यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी, हाई स्कूल पास होना चाहिए आपका। और यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो संख्या है पदों की वो है, टोटल जनरल की है 1814, ओबीसी की है 1000, ईबीएस यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास की है 314, एससी की 750, एसटी की 11, पीएच की 62 सीटें, टोटल सीटें जो है 3951 सीटें हैं इसमें, ठीक है। इसको आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में स्वीकार नहीं किया जाएगा। फीस इसमें जो रखी गई है दोस्तों, वो आपका जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया रखा गया है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया है, सॉरी। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, बाकी सब के लिए किसी कोई भी फीस नहीं रखा गया है, ठीक है। और फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, कैश में भी, ई चालान के माध्यम से भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के साइट पर भी अपडेट कर दिया गया है नोटिफिकेशन, ठीक है, वहाँ से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल हमने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो पोस्ट मास्टर वाला है, एक सेकेंड, ये है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो सैलरी मिनिमम रखी गई है, लेवल वन जो स्टार्टिंग होगी वो 12,000 से होगी, और डाक सेवक के लिए 10,000 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो मिनिमम एज है वो 18 साल होना चाहिए, 18 साल आपका 23/3/2020 से काउंट किया जाएगा, और मैक्सिमम 40 साल। उसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और ईडब्ल्यूएस का कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, और ओबीसी पी प्लस पीडब्ल्यूडी हैं तो 13 साल, ओबीसी सॉरी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं तो 15 साल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मिनिमम रखी गई है वो आपका हाई स्कूल पास रखा गया है, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैट्रिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। आपको पासिंग हाई स्कूल पास होना चाहिए इंग्लिश और मैट्रिक्स के साथ, यानी मैथ और इंग्लिश के साथ अगर आपने हाई स्कूल पास किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज इसमें आप लोकल लैंग्वेज यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज पर लोकल लैंग्वेज होना ज़रूरी है, और कंप्यूटर कंपलसरी नॉलेज आप लोकल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जैसे यूपी का आप फॉर्म भर रहे हैं तो यूपी में हिंदी है लोकल लैंग्वेज, तो वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, यूपी का आपको हिंदी आनी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, हर स्टेट का लोकल लैंग्वेज दिया गया है, तो यहाँ पे हिंदी अगर आप आती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं,
ठीक है। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, रेजिडेंस आपका उस एरिया के आसपास ही होगा जो जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, और यहाँ पे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, और साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एकोमोडेशन फॉर लोकलिटी ब्रांचेज ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस या ब्रांच के आसपास ही आपका जो एकोमोडेशन होगा। यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन, ये जो कैटेगरी वाइज दिया गया है वो पहले ही इसकी वैकेंसी डिटेल में यहाँ पे नीचे सबसे सब कुछ दे दिया गया है, ठीक है, कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है वो आप लोग देख सकते हैं। और फीस की दोस्तों हमने पहले ही बता दिया, फिलहाल अभी आप देख लेते हैं कि यहाँ पे जो फीस रखा गया जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखा गया, बाकी किसी चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल या एससीएसटी के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस नहीं रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेथड ऑफ इंगेजमेंट विल बी कंटिन्यू टू बी एज ऑनलाइन इंगेजमेंट प्रोसेस फॉर इंगेजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ जीडीएस एज नोटिस्ड नोटिफाई बाय डायरेक्टोरेट लेटर नंबर, यहाँ पे दिया गया लेटर नंबर 100 डेटेड 1/8/2016 का जो लेटर दिया गया उसको आप देख के ज़्यादा भी जानकारी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन फॉर अप्लाइंग जीडीएस पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन एग्जाम कोई नहीं है इसमें, यहाँ पे सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यहाँ पे मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, यानी कि आपका हाई स्कूल का जो मेरिट होगा उसी के बिहा पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा एज पर द रूल बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड अप्लीकेशन, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन में भरोगे उसी के बिहा पे आपका सिलेक्शन होगा। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर दोगे तो आपको ज़्यादा छूट मिल जाएगी या आपका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाई स्कूल के बिहा पे यहाँ पे मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर किसी का सेम होता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, और भी अगर ऐसे सेम हो जाता है तो वो अलग अलग क्राइटेरिया है जो कि देखी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया, फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन भरने के लिए यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो सरकारी रिजल्ट पे भी दिया गया है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट, ठीक है। 23 तारीख यानी आज से लेके 24 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको फॉर्म भरते समय आपको नाम कैपिटल लेटर में लिखना होगा जो कि आपके मार्कशीट में दिया गया है, ठीक है। फादर नेम, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर आपको वही रखना है जो आप हमेशा यूज करते हो और आगे भी यूज करते रहेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो फिजिकल परसेंटेज आपको भरना होगा। स्टेट इन विच आपने कौन से स्टेट से क्लास 10th पास किया है, ठीक है, कौन से बोर्ड से पास किया, कौन से साल में पास किया है, ये भरना है। और क्लास 10th की सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर ऑप्शन में दे सकते हैं, ठीक है। ये इतने मतलब 11 चीज़ें आपको फॉर्म भरने से पहले 11 चीज़ें आपको कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। 11 चीज़ें आपको बेसिकली जो है सही सही डिटेल भरना है, ठीक है, डिटेल को बिल्कुल सावधानीपूर्वक भरना है, उसके बाद आप फी पेमेंट कर सकते हैं। फी पेमेंट 100 रुपया है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड से कर सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए और SST के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है, लिंक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको फ़ोटो देना है, जितने भी KB में देना है यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, ठीक है। फॉर्म आप भर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए सब कुछ आपका सिग्नेचर सर्टिफिकेट सब कुछ स्कैन करके लगाना है, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद आप उसको प्रिंट आउट आपको संभाल के रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे सैलरी और ये सब कैटेगरी वाइज सब कुछ दिखा रहा है कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है, कितनी सैलरी है, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बस यही थी जानकारी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।